क्या करें, जब वो किसान के खेत में तो 5 रुपये किलो है जी। और जब वो मार्केट में आ जाता, गोदाम में चला जाता, तो बहुत बुरा हाल है। हम की बार कांग्रेस सरकार 50% से ज्यादा भ्रष्टाचार है। कितने बड़े स्कैम देश में करे हुए सभी नेता कर्मचारी बीजेपी ज्वाइन करते सब हो जाते हैं। एक आम आदमी को तो 6 साल जमानत नहीं, एक नेता को फ्रॉड आदमी को तभी जमानत मिल जाती है। भाई कौन आदमी है कि भाई जो सरकार के खिलाफ मुंह खोले हो पिछले 10 साल में। नमस्कार, K9 मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति ढलवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहतक लोकसभा में और यहाँ पे कुछ ताऊ बैठे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ माहौल अभी बनाने वाले हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है राजनीति को लेके। राम राम ताऊ। राम राम बेटे। ताऊ के कुछ लग गए इनकी बार यहाँ तो उड्डा का गढ़ है। उड्डा का गढ़। हाँ, भूपेंद्र उड्डा जिसको भी खड़ा करे उसी वोट देंगे। अगर यहाँ पे हुड्डा का गढ़ है तो दीपेंद्र उड्डा को क्यों हरवाया था? दीपेंद्र उड्डा को उसका चीटिंग करती हो या वोटर खुश ना हो, वो हरवाने का कोई खास एनालिसिस थोड़ा कर सके, गया जो गया। लेकिन अगर बीजेपी सरकार की बात करें तो बीजेपी सरकार भी बहुत सारे काम कर रही है। कौन सा काम करेगा? कह रोडे खा लगाए वो गिनवा रोहतक में, किसी सड़क की मरम्मत हुई है, नहरों की चटनी हुई है, ड्रेन की सफाई हुई है, नालों की सफाई हुई है, ये डेयरी रोज उठा उठाई, सड़कों में बाजार में इंक्रोचमेंट हो रहा है, रेडी वेडी व्हीकल निकलने का रास्ता नहीं, पैदल जाने का रास्ता नहीं, मिटा दिया किसी ने। लेकिन बीजेपी के लोगों का तो ये दावा करते हैं लोग कि हमने सड़कें बनवा दी हैं आने जाने के लिए। कटे आपने नहीं दिख रहे क्या? आप क्यों नहीं वहाँ की फोटोग्राफी करके भेजते? रुको रुको, आप क्यों नहीं भेजते? पत्रकार है ना, अब वीडियो बनाइए ना, भेजिए सरकार को, आम आदमी भेजेगा जी। बिल्कुल, वो हमारा काम है लेकिन हम करेंगे। लेकिन हम बता रहे हैं आपको, इलेक्शन के बाद सरकार बदल लेगी या दूसरी आ जाएगी तब, तभी तो आप लोगों से जानने के लिए। बिफोर इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? मुझे ये बताइए, बिफोर इलेक्शन आप क्या कर रहे हैं? कहां सो रहे थे मीडिया? एक तरफ ही बात जा रहे, इलेक्टोरल बोर्ड का आपने क्या दिया सर्वे? क्या रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट ने? इलेक्टोरल बोर्ड का इतना बड़ा कांड दे दिया। एक आम आदमी को तो 6 साल जमानत नहीं, एक नेता को फ्रॉड आदमी को तभी जमानत मिल जाती है। भाई कितने बड़े स्कैम हुए हैं, कितने बड़े स्कैम देश में करे हुए सभी नेता कर्मचारी बीजेपी ज्वाइन करते सब हो जाते हैं। तो ये चीज तो जनता को सोचनी चाहिए ना कि आप वोट क्या करते हैं, आप क्या बताते हैं जनता को? आपका टीवी चैनल क्या करे? कौन सा चैनल है जो सरकार के खिलाफ बोल जाएगा इस देश में? मुझे ये बताइए कौन आदमी है कि भाई जो सरकार के खिलाफ मुंह खोले हो पिछले 10 साल में? नेशनल टेलीविजन की बात करें तो, नेशनल टेलीविजन की बात करें तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की न्यूज दिखाते हैं, हम मानते हैं। लेकिन हम हरियाणा स्तर पे काम कर रहे हैं तो हम ये है कि ग्राउंड स्तर पे जाके लोगों से बातचीत करें। आपका मीडिया बिक गया जो देश का चौथा स्तंभ है, तो इस देश में किसी उम्मीद करें हमें न्याय मिलेगा? आप बताइए, सारे मीडिया वाले नहीं। एक सेकंड, क्यों नहीं है? रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, राम मंदिर के बारे में क्या कहा कि मंदिर का कोई साक्ष्य दिखाई नहीं दिया है, और उसी ने फिर मंदिर के हक में फैसला दे दिया। क्या राम मंदिर? क्या मेरी माँ दादी, मेरी बुआ बहन बेटियां घर में दोनों टाइम देसी घी की जो लगाती हूँ, राम की कृष्ण मूर्तियां धर के वो मंदिर बड़ा माना है, अपने घर की मूर्तियों बड़े माना? पर बीजेपी के लोगों का दावा ये है। बीजेपी क्यों कर रहे हो? मुझे अंदर करवाओगे क्या? हाँ, दूसरी बात आप अपनी, क्योंकि मेरे फसल बीमा योजना मेरे पड़ोसी से कम आई जी, ठीक है, गेहूं मेरा बर्बाद हुआ, पड़ोसी ज्यादा वो ले रहे, ठीक है, बच्चों की एजुकेशन इतनी महंगी होगी कि हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, स्कूलों में नहीं, बाजार में जाते हैं 400 रुपये किलो लहसुन, 400 किलो अदरक, 200 रुपये किलो प्याज, 600-800-800 रुपये धनिया जीरा, तो आम आदमी कहाँ जाए? 50-60-70 रुपये प्याज कहाँ जाएंगे, क्या करें? जब वो किसान के खेत में तो 5 रुपये किलो है जी। और जब वो मार्केट में आ जाता, गोदाम में चला जाता, तो बहुत बुरा हाल है। हम चाहते हैं कि एक सामूहिक फांसी के अंदर बना दिया जाए, तो हम जमींदार फांसी खा कर लौट जाए। तो अब की बार क्या सोच रखा है फिर अपने इधर? बता दिया कि बस उधर दे दें वो। भाई हमारे हमें जो थी कांग्रेस की, कांग्रेस की जरूरत है जी। तो राम राम। राम राम। थोड़ी देर ताश छोड़ दो, इनकी बार के देखना चाहो? इनकी बार कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार ने देखना चाहो?
कांग्रेस सरकार की अगर हम बात करें वो तो पहले भी थी और आगे भी रहनी चाहिए। आगे भी रहनी चाहिए। कांग्रेस के कामों से इसलिए है वो जी और लिव एंड लेट लिव की नीति जानते हैं, ठीक है, और यहाँ एक तरफा काम नहीं होता, सबकी सुनवाई होती है, सब महफिल के बीच फैसले लिए जाते हैं, उन्हीं फैसलों को जो है प्रायोरिटी दी जाती है जी। इसलिए हमें कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस चाहिए हाँ। तो फिर अब की बार कांग्रेस में किसको देखना चाह रहे हो आप? उड़ा हो, उड़ा सरकार के सहमति वाले हो, कोई भी हो, हमने कांग्रेस की सरकार चाहिए। अच्छा, आपको कांग्रेस की सरकार चाहिए जी। तो आप ये बताइए बीजेपी के काम से आप कितना खुश हैं? मैं 105% पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। और बोलिए, हम कांग्रेस सरकार को देखना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार को देखना चाह रहे हो? यहाँ पे सब कांग्रेस कांग्रेस बोल रहे हैं, लेकिन हम कांग्रेस की बात करें तो 70 साल से जो है कांग्रेस ही राज कर रही थी, लेकिन अभी बीच में बीजेपी आई थी, तो क्या कुछ लगता है आपको कि कांग्रेस सरकार अब काम कर देगी? कांग्रेस करेगी काम, नौकरी देगी, महंगाई को घटाएगी। मेरे परिवार में कोई नौकरी नहीं लग रहा जी, ठीक है। अरे ये झूठ बोल रहे हैं, ये नौकरी दे रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, झूठ है ये। पर बीजेपी के लोगों का दावा ये है कि कांग्रेस सरकार में जब लोग नौकरी लगते थे तो भ्रष्टाचार था, पैसे दे के नौकरी लगते थे, लेकिन हमारी सरकार में बिना पैसे के जो है नौकरी लगाई जा रही है। ना, पैसे देकर लगते हैं, पैसे दे के लगते, बिल्कुल पैसे देकर लगे, मतलब भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार बिल्कुल 50% से ज्यादा भ्रष्टाचार है, 50% से ज्यादा भ्रष्टाचार है। अच्छा, उसको वैसे छिपा रहे हैं, छिपाने तो गवर्नमेंट है, दबा ले किमें दबा लो, लेकिन आपका क्या कुछ कहना है अंकल? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार बिल्कुल, कांग्रेस सरकार और काम देख लो पलड़े के। जब सीएम उपेंद्र हुड्डा था दे गए बाईपास, इसकी निकाली उड़ है। अच्छा। और ये आज है ना, आज उस बाईपास पर कट ठेगली भी नहीं ला सकते, ठेगली भी ये काम है। सेक्टर में जाओ, सारे खड्डे खड्डे अब जागे भरे हैं खड्डे, एक घंटा डेढ़ एक डेढ़ साल हो गया, खड्डे खड्डे, गाड़ी भी नहीं ले खड़े करती, यू बुरा हाल था रोहतक। तो फिर अब की बार आप कांग्रेस को देखना चाह रहे हैं? तो देखा आपने, अभी हमने यहाँ पे बुजुर्गों से बात की, चर्चा की कि अब की बार वो किसको देखना चाह रहे हैं, कांग्रेस को देखना चाह रहे हैं, बीजेपी को देखना चाह रहे हैं। इस चर्चा पे आप लोग कितना सहमत हैं, कितना सहमत नहीं हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ में ज्योति ढलवा।